वेलकम बैक टू निशाज रेनबो। दोस्तों कैसे हैं आज? देखिए मैं आपको अपने पूरे घर का लुक दिखा रही हूँ। आज मैंने बहुत सारी साफ़ सफ़ाई की है दोस्तों। सबसे ज़्यादा टफ होता है मेरे लिए फ़ैन एरिया साफ़ करना, तो वो आज मैंने किसी की हेल्प ली थी, बट वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते तो मैंने उन्हें शूट नहीं किया। और ये देखिए हम लोग पूरे प्रिकॉशन ले करके तब कर रहे हैं। बच्चों को भी मैंने मास्क लगा दिया था, मैंने भी मास्क लगाया था और जिन्हें बुलाया था उन्होंने भी मास्क लगाया था। तो पूरा हम लोगों ने सेफ्टी रीज़न पूरा फॉलो किया है। और यहाँ पर देखिए मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि आज बहुत अच्छे से साफ़ सफ़ाई हो गई है। तो यार जब तक घर आपका साफ़ ना रहे ना, घर में रहने में सुकून नहीं आता, मज़ा नहीं आता। वो कुछ चीज़ें हम लोग लेडीज़ के दिमाग में कुछ ना कुछ अटका सा रहता है, जैसे अगर घर की सफाई नहीं हुई है ढंग से तो बिल्कुल अटक सा जाता है कि यार सोते जागते उठते बैठते बस मुझे पिंच करती थी ये चीज़ें। तो आज मैंने कैसे भी करके हस्बैंड के अपोज़ करने पर भी एक हेल्पर को बुलाया था और उसके बाद मैंने ये क्लीनिंग करवाई थी। तो थोड़ा सा मुझे सुकून है, मैं आपको टूर करवाती हूँ। देखिए अभी तो शाम का टाइम हो गया है और इसमें 4-5 घंटे लग गए हम लोगों को साफ़ सफ़ाई में, मैं भी लगी हुई थी साथ में। तो बिल्कुल एक एक कोना साफ़ हुआ है ना, तो इतना अच्छा लग रहा है। सारी डस्ट वगैरह हट गई है, जो जाले वाले लगे थे वो साफ़ हो गए हैं। मैंने देखे कुशन कवर वगैरह सब चेंज करवा दिए थे, तो घर का लुक थोड़ा सा बदल जाता है तो खुद को ही बड़ा अच्छा लगता है, प्लीजेंट सा हो जाता है। क्योंकि कोरोना चल रहा है इसलिए किसी को बुलाना, काम करवाना बड़ा टफ़ है, लेकिन सारे सेफ्टी मेजर्स लेकर के हमने ये काम करवाया और बहुत ज़रूरी था यार। मुझे लग रहा था मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी क्योंकि घर में इतना डस्ट और धूल वगैरह, स्पेशली फैंस वगैरह पे इतनी ज़्यादा डस्ट और धूल थी कि बस मतलब मुझे ये लगता था कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं साफ़ कर डालती। तो देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है मेरे ड्राइंग रूम से, आप बैठिए तो शाम को पूरा शहर दिखता है यहाँ से, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। मुझे यहाँ का व्यू बहुत पसंद है, बहुत ही खूबसूरत है। आप कितने भी बोर हो रहे हो, कितना भी आपको अकेलापन हो, अगर आप बाहर बालकनी में बैठ जाते हैं तो बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होता। और यहाँ पर मैं आपको लाइट्स वगैरह भी दिखा रही हूँ कि वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गई हैं आज, तो जलाने का भी मन कर रहा है। सारी चीज़ें सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। यहाँ डाइनिंग टेबल से भी बहुत सारा सामान मैंने हटाया नहीं है, हटा दूँगी, बट ये है कि क्लीनिंग हो गई, डस्टिंग हो गई, साफ़ सफ़ाई हो गई तो घर में रहने का मन करता है। ये मैं आपको सैनिटाइज़र की बॉटल दिखा रही हूँ, खाली कॉलिन की बॉटल पड़ी थी तो मैंने इसमें सैनिटाइज़र डाल दिया है और उससे स्प्रे करिए और बड़े अच्छे से, मतलब मिसयूज़ भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा भी नहीं गिरता सैनिटाइज़र और ठीक रहता है। तो स्प्रे वाला ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे तो मैंने इसमें पलट दिया है। और ये देखिए यहाँ पे कॉलिन की बॉटल रखी है, वो मैं आपको अलग से दिखा दे रही हूँ। तो हाँ फ़र्क रहता है दोनों में, दोनों को अलग अलग जगह रखती हूँ जिससे कि मैं मिक्स ना हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ कांच की बॉटल्स रखी हैं जो DIY करने के लिए रखा है, वो मैं जब भी करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। और सारा काउंटर टॉप वगैरह मैंने यहाँ से अपना माइक्रोवेव भी हटा दिया है क्योंकि उसका यूज़ ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ख़राब पड़ा हुआ है इसलिए, तो मैंने यहाँ से हटा दिया। और मैं आज अपनी टेरेस पे गई थी तो वहाँ पे ये थोड़ी सी पालक हुई थी और करी लीव्स ले आई थी मैं ऊपर से, तो यहाँ आपको पता है पूरे ऊपर ऊपर तक जाले लग गए थे। वो किचन में जानते स्टिकी सा होता ही है, और ये वाला फ़ैन मेरा सबसे ज़्यादा गंदा होता है डाइनिंग एरिया वाला, क्योंकि ये किचन के सामने रहता है तो किचन में मैं कुछ भी करती हूँ तो इसको ऑन ही कर देती हूँ। तो आज ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया, बड़ा ही सुकून मिल रहा है यार अपने ही घर में। जब तक साफ़ सफ़ाई ना हुई हो आप घर में रह नहीं सकते। ये बेडरूम है तो इसका मैंने आज सारे घर में सारी चादरें वगैरह मैंने चेंज कर दी थी, और लग रहा था कि जब साफ़ हो रहा है तो सब कुछ चेंज कर देते हैं, तो बहुत अच्छा सा, क्योंकि मैंने हेल्प ली थी हेल्पर से तो मुझे इतनी ऐसा कोई थकान नहीं हुई है, अच्छा लग रहा है। और ये देखिए मैं आपको अपने रूम से दिखा रही हूँ, कर्टन्स मैंने नहीं अभी हटाए थे, कर्टन्स फिर कभी हटाऊँगी। और यहाँ से देखिए मेरे रूम से पूरा शहर दिख रहा है,
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है दोस्तों, चाहे सुबह में शाम में। मैंने आपको कई बार अपनी बालकनी से दिखाया है कि जो खूबसूरती है ना, प्राकृतिक खूबसूरती जो यहाँ से दिखती है वो शायद कहीं और से ना दिखे। मैं सारा कुछ शूट कर रही हूँ और कपड़े का स्टैंड मैंने अंदर कर दिया था क्योंकि बारिश भी आ रही थी आज शाम को। और ये बच्चों का रूम है, तो बच्चों के रूम में मैं अक्सर मैं बहुत डार्क वाली चादरें डालती हूँ, लेकिन आज ये लाइट कलर की डाली तो थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है, अच्छा लग रहा है। बच्चों को भी बहुत पसंद आया कि मम्मा हमेशा एकदम डार्क ब्राइट कलर्स आप बिछाते हो, अभी ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, सूदिंग लग रहा है बिल्कुल। ये मेरे दोनों बच्चों की फ़ोटो है, छोटे थे तब की। और वेलकम सर जी। तो दोस्तों आज यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। आज क्लीनिंग को लेके मैं बहुत खुश थी, तो वो मैं आपसे शेयर करना कैसे भूल सकती हूँ। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ छोटा सा बेल आइकन आता है, वो प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। तो स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए और स्वदेशी का पालन करिए।